पहले तो उन्हीं की होगी, इसके बाद तुम्हारी होगी। अभिषेक क्या है उसके पिताजी, इनकी भी पूरी इन्वॉल्वमेंट है उसमें, टोटल इसमें छपार वाले मामले दीदी तो ये अरे राधे फोटो मार लिए ठीक है राधे बस 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 एक फोटो भी जाओगे। चेतावनी भी है कि इस तरह का कार्य अगर वो करेंगे झूठा मुकदमा लिखाने के लिए तो निश्चित रूप से उन्हें खुद को जेल जाना पड़ेगा। दो तरह की चीजें, एक तो ये इस तरह की जो घटना कर रहे हैं गोली मार के विरोधियों को फंसाने की, साक्ष्य को नष्ट करने की, और दूसरी चीज डायल 100 पर झूठी सूचना क्या पहचानी थी भाई, आपने क्यों गोली मारी तुम्हें, लड़की से क्या था, और वो लड़का भी प्यार करता था क्या उससे, वो भी दोस्ती करना चाहता था क्या उससे, जिसे तुम फंसाना चाहते थे। चलो सर क्या बोला था, क्या ये दो थाना क्षेत्र में कल सूचनाएं प्राप्त हुई थी, एक तो थाना छपार के तेजल हेड़ा में और एक थाना मंडी के बच्चन सिंह कॉलोनी में, जिनमें दो लोगों को गोली लिखी फायर आर्म्स की इंजरीज थी और उन्होंने ये आरोप लगाया था कि उनके विपक्षी द्वारा इसमें उनके ऊपर विभिन्न कारणों से फायर किया गया है। इसकी एसपी सिटी साहब के नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी और थानाध्यक्ष द्वारा इसकी जाँच की गई, फील्ड यूनिट को भी वहाँ पर ले जाया गया, तो ये मामला पाया गया कि साक्ष्य को नष्ट करने के लिए, साक्ष्य को प्रभावित करने के लिए और दूसरे पक्ष को फंसाने के लिए ये जो फायरआर्म इंजरी इनके द्वारा स्वयं कारित की गई थी और साक्ष्य को साक्ष्य का मिथ्या साक्ष्य का गठन किया गया था। इस संबंध में जो ये लोग हैं जिन्हें गोली लगी है वो लोग भी और जिन्होंने मारी है वो लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं दोनों थाना क्षेत्रों के, और इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और भविष्य में इस तरह की कोई मिथ्या साक्ष्य गढ़कर साक्ष्य प्रभावित करने की या दूसरों को झूठा फंसाने की कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई जनपद में की जाएगी।